प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण में एक्सरसाइज 9.5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 9.5 में अब तक हम लोग 6 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स इंटू वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स डी वाई। इसको आपको सबसे पहले दिखाना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके बाद उसका जनरल सॉल्यूशन भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहां देखिए कॉस के साथ साइन के साथ सब जगह y अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स आ रहा है। अब आप अगर इसको कोशिश भी करेंगे ना, तो चाह करके भी इसे आप x अपॉन y वाले फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब आप इस फॉर्मेट में अगर इसको लाना चाहें, तो हम लाख कोशिशों के बाद भी इसे x अपॉन y वाले फॉर्मेट में नहीं ला सकते हैं। हमको इसलिए इसे y अपॉन एक्स वाले फॉर्मेट में ही लाना पड़ेगा। आपको y अपॉन एक्स का फॉर्मेट मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जी ऑफ y अपॉन एक्स, इस पे आपको लाना पड़ेगा। ये कुछ चीजें याद कर लीजिए, जैसे साइन है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ जाता है, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ जाता है इसकी जगह पर, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखा हो। जैसे मैं आपको बता दूं कि कभी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो, 1 2 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस टाइप की जितने भी फंक्शन है इनके साथ में अगर कहीं वाई अपॉन एक्स आ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि उस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्मेट में ही बदलना पड़ेगा, हम इसमें नहीं बदल सकते हैं। और अगर इनके साथ में एक्स अपॉन वाई आ जाता है, तो उसे फिर आपको इस फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा, आप उसे इसमें नहीं बदल सकते। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साथ वाई अपॉन एक्स आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं कन्वर्ट करके ला सकता हूं, तो मैं इस फॉर्मेट में ही ला सकता हूं, वाई अपॉन एक्स के फलन वाले फॉर्मेट में, हम इसको इसमें नहीं बदल सकते, इसलिए हम नीचे वाला फॉर्मेट लाके आपको दिखाएंगे। उसके लिए काम करते हैं, डी एक्स उधर भेज दो और ये नंबर इधर ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, तो ये ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा मतलब ये रहेगा एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, और उसके साथ में ये वाई रहेगा अपॉन, क्योंकि डी एक्स तो उधर चला गया, ये नंबर यहां पर आ जाएगा, तो वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, और उसके साथ में ये आ जाएगा x, ठीक है? तो dx एक्स उधर चला गया और ये नंबर इसके अपॉन में आ गया, तो ये ऊपर हो गया, वो नीचे यहां पर आपको मिल जाएगा। अब आप एक काम और कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, आप यहां से x कॉमन कर लीजिए, अंश आप देख रहे हैं ना, इससे पूरे से x कॉमन कर लीजिए, x कॉमन करेंगे तो यहां 1 या y अपॉन x बचेगा, वो पीछे लिख देंगे हम। जब आप x कॉमन करेंगे तो इसमें आ जाएगा cos y अपॉन x प्लस
वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स, और एक्स कॉमन किया है तो एक्स लिख दिया, और वाई तो पहले से ही लिखा था यहां पर, इसमें से वाई कॉमन कर लेंगे हम। नहीं नहीं सॉरी, इसमें भी एक्स ही कॉमन आपको करना है। तो जब एक्स कॉमन करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स माइनस, एक्स कॉमन हो गया ना, तो ये कॉस वाई अपॉन एक्स, और जो एक्स कॉमन लिया है वो आपको लिखना पड़ेगा बाहर, और ये वाला है तो एक एक से लिखा हुआ है सॉरी, ये एक्स से ये एक्स कैंसल हो जाएगा आपका। अब आप देख सकते हैं राइट साइड पे जितना भी फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स, और ये वाई अपॉन ये वाई अपॉन एक्स इंटू साइन वाई अपॉन एक्स माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स, और ये एक्स। आप देखिए सब जगह राइट हैंड साइड में जो भी हमारा फलन है वो वाई अपॉन एक्स का फंक्शन है। आप सोचेंगे ये वाई और एक्स तो अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये भी तो वाई अपॉन एक्स ही है। आप देखें वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें कौन सा फॉर्मेट तैयार हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे जो फॉर्मेट तैयार हुआ वो हुआ डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई अपॉन एक्स। और ऐसा हो जाना इस बात का संकेत है कि दिया गया अवकल समीकरण एक समघाती अवकल समीकरण है। ये आप लिख सकते हो, अब बार बार हम नहीं लिखेंगे, केवल हम बता देंगे कि यहां पर आपको लिखना क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख लीजिएगा। स्पष्ट है कि दिया गया अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक। इसका सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करने के लिए आप ये जो फॉर्मेट है इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप तो जानते ही वाई बराबर वी एक्स लेना पड़ता है। तो यहां पर हमने लिखा माना वाई इज इक्वल टू वी एक्स। अगर बेटा वाई इज इक्वल टू वी एक्स है तो फिर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v आ जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, आप डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक। अब ये हम इस पे अप्लाई करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह पर उसको लिखेंगे, और जहां जहां वाई अपॉन एक्स है वहां पर वी लिखेंगे। इससे ले लीजिए समीकरण एक से, ये मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर वन। तो समीकरण एक के लेफ्ट हैंड साइड पे डी डी एक्स ऑफ वाई है, उस पे हम लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इस पे वैल्यू लिखेंगे तो कॉस वाई अपॉन एक्स की जगह पर v प्लस v साइन v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v v साइन v माइनस कॉस v, और ये तो ऐसे आ जाएगा, और साथ में ये जो y अपॉन x है ना उसकी जगह पर एक v आपको यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये v उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा x d dx ऑफ v इज इक्वल टू कॉस v प्लस वी साइन वी इंटू वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी और ये माइनस वी, ठीक है। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं,
एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस पे आप एक मान करके एलसीएम ले सकते हैं वी साइन वी माइनस कॉस वी। तो यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया वी साइन वी माइनस कॉस वी, एक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी कॉस वी प्लस वी कॉस वी प्लस वी स्क्वेयर साइन वी प्लस वी स्क्वेयर साइन वी माइनस, अब इस माइनस वी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वी स्क्वेयर साइन वी माइनस वी स्क्वेयर साइन वी, फिर माइनस वी को माइनस कॉस वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वी कॉस वी वी कॉस वी। ठीक है ना, इतना तो समझ आ रहा है सभी को, सिंपल सा एलसीएम यहां पर लिया गया है। अब आप देख सकते हैं प्लस वी स्क्वायर साइन वी से माइनस वी स्क्वायर साइन वी कैंसिल हो गया, ये एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू वी कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी। ठीक है, ओके। अब आपको एक काम करना है कि यह वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो इस तरीके से ये बन जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन टू वी कॉस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। देखिए ये ऊपर आ जाएगा तो वी साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन टू वी कॉस वी इज इन टू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं, दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। तो जब आप बेटा अलग अलग करेंगे तो ये वी साइन वी अपॉन टू वी कॉस वी, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, साइन वी अपॉन कॉस वी टेन वी बन जाएगा, तो यह आ जाएगा वन बाई टू टेन वी माइनस, जब इसके साथ इसको अलग करेंगे तो माइनस वन बाई टू और ये वी, कॉस वी से कॉस वी कैंसिल वन अपॉन टू वी बचेगा, इसके साथ वी से वी कैंसिल वन अपॉन टू टेन वी बच जाएगा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, हाँ डी वी तो नहीं लिखा हमने तो यहां डी वी नोट कर देंगे इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड्स में, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इसको इंटीग्रेट करेंगे। आप चाहे तो यहां का टू आप उधर ही भेज सकते हैं सीधे, एक काम करता हूं मैं, ये जो टू आप देख रहे हैं ना ये डिवाइड में है, उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यह इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये केवल टेन वी डी वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, ये टू यहां पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, और इनमें सब में इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया। टेन वी, टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग सेक एक्स, तो इसको मैं लिखूंगा लॉग सेक वी माइनस वन अपॉन वी का इंटीग्रल, ये होगा लॉग वी इज इक्वल टू टू, इसका हो जाएगा लॉग एक्स, और एक कांस्टेंट लगाना है तो वो कांस्टेंट भी हम लॉग सी लगा लेते हैं क्योंकि हर टर्म में लॉग ही लॉग आ रहा है इस वजह से। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है आपको, सॉल्व ऐसे कर लेना है कि लॉग एम माइनस लॉग एन, ये आप कर सकते हो यहां पर, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, एक काम करते हैं आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम इसको सॉल्व करके आगे दिखाते हैं, ठीक है ना, प्लीज जल्दी से नोट कर लें आप इसे। देखिए बेटा ये लॉग सेक वी माइनस लॉग वी, तो लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला इस पे लगाएंगे हम, तो इस तरीके से ये बन जाएगा लॉग मॉड ऑफ सेक वी अपॉन वी, सेक वी अपॉन वी माइनस है ना, इज इक्वल टू, या इधर ले आइए इसको भी,
और इस पे भी एक चीज थोड़ा सा देख सकते हैं, अभी लॉग के आगे टू है ना, ये इसकी पावर में जा सकता है, पावर में जाके फिर इधर आया तो ये आ गया लॉग एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉग सी। अब ये लॉग एम माइनस लॉग एन बन गया, फिर से इसमें फॉर्मूला लगेगा तो ये और ये इसके अपॉन में आ जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन है ना, तो ये बन जाएगा लॉग सेक वी अपॉन वी और उसके अपॉन में ये आना है, मतलब एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉग सी। अब हम दोनों पक्षों में तुलना कर देते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों पक्षों का, तो आप एंटी लॉग लेंगे तो इसका लॉग हट जाएगा और जहां जहां वी है वहां वहां वाई अपॉन एक्स लिखने का नंबर आ चुका है, तो ये आपका बन जाएगा sec y अपॉन एक्स, दिस इज अगेन y अपॉन एक्स, दिस इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी, एक्स से इसका ये एक एक्स कैंसल हो गया, इस तरह से ये sec y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर किस तरीके से दिया जा रहा है, ठीक है, आंसर मेरा एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, एक काम छोटा सा कर दें, आप इसको इन्वर्ट कर दें, इसको पलट दीजिए नंबर, तो ये इस तरीके से बन जाएगा एक्स वाई अपॉन सेक वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन सी, फिर वन अपॉन सेक क्या होता है कॉस, तो ये आ जाएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई बना रहेगा, वन अपॉन सेक क्या हो जाएगा, वन अपॉन सेक हो जाएगा कॉस वाई अपॉन एक्स, और उधर जो वन अपॉन सी है ना, इसको तो बेटा हम सी डैश लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इस पे नहीं है, ये तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये उसका आंसर आपका आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, यहां पर जाकर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, लॉगरिथम्स के रूल वगैरह लगाने हैं और इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, प्लीज आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, मैं पढ़ रहा हूं आप भी ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ x ddx of y minus y plus x sin y upon x is equal to 0। इस पे आप देखो साइन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ y अपॉन एक्स है, तो अब आपको यह ध्यान रखना है, अभी मैंने कुछ फंक्शंस के नाम लिखे थे कि अगर उन फंक्शंस के साथ y अपॉन एक्स आता है तो फिर आपको y अपॉन एक्स वाला फलन बनाना पड़ेगा राइट साइड पे, और उनके साथ x अपॉन y आता है तो राइट साइड पे x अपॉन y का फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ y अपॉन एक्स आ रहा है तो फिर आपको y अपॉन एक्स का ही फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके लिए इसे और इसे उस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x d dx ऑफ y इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस x साइन y अपॉन x, ठीक है, ये x उधर जाके अपॉन में आ जाएगा, तो इस तरीके से ये बन जाएगा d dx ऑफ y, x इसके भी अपॉन में आएगा तो y अपॉन x, और ये x इसके नीचे आएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से बेटा ये साइन y अपॉन x बन जाएगा, ठीक। अब आप देख सकते हैं इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और अब आप देखिए कि ये जो डी डी एक्स ऑफ वाई है, इधर राइट साइड पे आप देखें ये जितना भी फंक्शन है इसमें जहां जहां वेरिएबल है वहां वाई अपॉन एक्स आ रहा है, इट मींस दिस इज द फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है, और इससे हमको पता चला कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एक समघाती अवकल समीकरण, मैं नहीं लिख रहा हूं आप लिख लीजिएगा, कि अतः दिया गया अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अब अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्व करने के लिए आपको तो पता ही है क्या करना है, अभी माना y इज इक्वल टू वी एक्स, अगर y इज इक्वल टू वी एक्स है तो फिर y अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v, और उसके साथ डिफरेंशिएट भी कर देते हैं तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये d dx ऑफ y इज इक्वल टू ये आ जाएगा v प्लस x
डीवी अपॉन डीएक्स, ठीक है ना, डी डी एक्स सब वाई टू वी प्लस एक्स डीवी अपॉन डीएक्स। अब इक्वेशन नंबर वन पे आते हैं, यहां डी डी एक्स सब वाई की जगह पर ये लिखेंगे और जहां जहां भी वाई अपॉन एक्स है वहां वी लिखेंगे। तो समीकरण एक से समीकरण एक में देखिए डी डी एक्स सब वाई इसकी जगह पर ये नोट करना है, तो लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे आइए, y अपॉन x की जगह पर लेना है v माइनस साइन और y अपॉन x की जगह पर v, ठीक। अब आप देखें v से ये v कैंसल हो गया, अब इसमें x डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वी। अब इसे हमें और आगे सॉल्व करना है, तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर लीजिए अभी, तो आप तो इस तरीके से आ जाएगा डी वी अपॉन साइन वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड्स का, तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dv, और बेटा ये 1 अपॉन साइन v है ना, इसको हम cos v लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन v को cosec v लिख सकते हैं, cosec v into dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रल, कॉसेक वी को इंटीग्रेट करना है, कॉसेक एक्स का इंटीग्रल आपको मालूम होगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो हम इसको लिख देंगे लॉग कॉसेक वी माइनस कॉट वी इज इक्वल टू माइनस इसका जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, और आप चाहे तो इस सी के साथ भी लॉग ले सकते लॉग सी। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन, इसको आप इधर ला सकते हैं और ये लॉग जहां जहां भी वी है वहां वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा कॉसेक वाई अपॉन एक्स माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। अब इसे आप ये चेक कर लेते हैं कि आंसर किस फॉर्मेट में दिया जा रहा है, उसी फॉर्मेट में हम इसका आंसर लाके आपको दिखा देंगे। आंसर तो साइन और कॉस के टर्म्स में आ रहा है इसका, तो अगर साइन और कॉस के टर्म्स में आ रहा है तो ठीक है, हम इसको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा लॉग, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा कॉसिक वाई अपॉन एक्स को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन वाई अपॉन एक्स, 1 अपॉन साइन वाई अपॉन एक्स माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स को लिखा जा सकता है कॉस वाई अपॉन एक्स अपॉन साइन वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। यहां तक पहुंच गए, कॉसेक को 1 अपॉन साइन और कॉट को कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर दिया, दोनों का हर बराबर है इसलिए अंश को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा लॉग 1 माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स अपॉन साइन वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। बेटा इसमें आप log m प्लस log n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो log m, m मतलब 1 माइनस cos y अपॉन x अपॉन साइन y अपॉन x इंटू x इज इक्वल टू log c, log m प्लस log n, ओके, तो log m इंटू n, अब दोनों साइड्स में एंटी log ले सकते हैं, तो ये log और ये log हट जाएगा, बचेगा क्या, ये आपको बच जाएगा 1 माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स अपॉन साइन वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू सी।
साइन वाई अपॉन एक्स अपॉन में है, इसको उधर भेज सकते हैं, और यहां पर ये एक्स आप आगे लिख सकते हैं। देखिए तो ये एक्स हमने लिख दिया, उसके बाद ये वन माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी, और ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो साइन वाई अपॉन एक्स। इस तरह से आप देखिए बेटा, यही आपका आंसर आपके आंसर शीट में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस आपको आपका जो तरीका है मेन, इसमें पॉइंट बस इंटीग्रेशन के बाद ही इसका अहम हिस्सा स्टार्ट होता है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, समाकलन के बारे में अच्छे से नॉलेज है आपको, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आंसर आपका आएगा ही, ठीक है। तो आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस टू एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ वाई अपॉन एक्स आ रहा है, सो इट इज अवर कंपनसेशन कि हमको इस फंक्शन को वाई अपॉन एक्स में ही कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। उसके लिए मैं काम करूंगा कि इससे और इससे हम डी वाई कॉमन कर लेते हैं, या तो इन दोनों को आप उधर भेज दीजिए, तो यहां क्या बच जाएगा वाई डी एक्स, जब ये दोनों उधर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू एक्स डी वाई, और ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई। अब इन दोनों में डी वाई है तो हम एक काम कर लेंगे, दोनों से डी वाई को कॉमन कर लेंगे, जब डी वाई कॉमन हो जाएगा तो इसमें बचेगा टू एक्स माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, और ये डी वाई कॉमन होके यहां पर आ गया, टू एक्स माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स और डी वाई कॉमन होके ये आ गया। अब आप यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, इस तरह से ये आपको मिल जाएगा वाई अपॉन टू एक्स माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन टू एक्स माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। अब यहां से हम एक्स कॉमन कर लेते हैं, या तो आप ऐसा कर लो कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह एक्स से डिवाइड कर दीजिए, इसको एक्स से डिवाइड करेंगे तो वाई अपॉन एक्स, इसको एक्स से डिवाइड करेंगे तो टू, इसको एक्स से डिवाइड करेंगे तो लॉग वाई अपॉन एक्स। नाउ यू आर सीइंग, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, यू आर सीइंग दैट इन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन देयर इज द फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, जहां जहां वेरिएबल है वहां केवल y या केवल x नहीं है बल्कि y अपॉन x है। इट मींस दिस इज ऑफ द फॉर्म g ऑफ y अपॉन x, और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ऐसी फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर पाते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ये इससे हमको ये पता लगता है कि दिया गया अवकल समीकरण एक समघाती अवकल समीकरण है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमको पता चल गया कि जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक। अगर समघातीय अवकल समीकरण है तो सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग। तरीका क्या है उसके लिए, माना y इज इक्वल टू वी एक्स, एंड इफ y इज इक्वल टू वी एक्स देन y अपॉन x इज इक्वल टू वी, ओके। उसके बाद डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा हमको, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वी प्लस एक्स, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। इसलिए समीकरण एक से, अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर वन है, इसमें जहां जहां भी डी डी एक्स ऑफ वाई है वहां पर तो आपको ये लिखना है, और जहां वाई अपॉन एक्स है वहां वी लिख देना है। तो देखो बेटा, ये डी डी एक्स ऑफ वाई है ना, इसकी जगह पर ये नोट करेंगे,
v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर है तो y अपॉन x की जगह पर v लिखेंगे अपॉन 2 माइनस और log v, 2 माइनस log v, ये v अब उधर भेजा जाएगा तो ये बना लेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस log v माइनस v, इसके नीचे एक कर लिया जाए, अब ये x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पर आप LCM ले सकते हैं 2 माइनस log v, ये इससे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, और माइनस v को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2v, माइनस v को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2v, और माइनस v को माइनस log v से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस v log v, फिर से देख ले 1 को v से मल्टीप्लाई किया v, फिर माइनस v, माइनस v को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2v, माइनस v को माइनस log v से किया तो प्लस v log v, सॉरी ये x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, बेटा देखिए v माइनस 2y, v v माइनस 2v हो गया माइनस v, प्लस v log v अपॉन 2 माइनस log v। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, v वाले जितने भी एक्सप्रेशन हैं सब इधर ले आइए, तो 2 माइनस log v अपॉन, अब प्लस वाला चाहो तो पहले कर लो और ये माइनस वाला बाद में कर लो, और उसमें भी v आप कॉमन कर लीजिए, तो v जब आप कॉमन कर लेंगे तो यह आ जाएगा log v माइनस 1। देख लीजिए आप ध्यान से कि ये तो ऊपर आ गया, फिर इसमें से v कॉमन कर लिया तो log v माइनस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब हम दोनों साइड्स में इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस log v अपॉन v log v माइनस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। ओके, अब इसका तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान है पर इसको आपको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। उसको सॉल्व करने के लिए मैंने मान लिया कि log v इज इक्वल टू t, ये जो log v आप देख रहे हैं ना इसको हमने t मान लिया, अगर log v को t मान लेंगे फिर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो आप तो जानते हैं ये आ जाएगा 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू dt। अब फिर से इसको सॉल्व करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस log v को हम लिख देंगे t अपॉन, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा पहले इस v को छोड़ दीजिए आप, log v माइनस 1, log v की जगह पर क्या लिखा जाएगा t, तो ये आया t माइनस 1, और अब देखिए ये dv अपॉन v, dv अपॉन v, dv अपॉन v, इसकी जगह पर क्या लिख देना है हमको, इसकी जगह पर हमको लिख देना है dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ठीक है ना। आप फिर से देख सकते हैं यहां जहां जहां log v आया हमने t माना तो 1 अपॉन v dv बराबर dt, तो dv अपॉन v इसकी जगह तो हो गया dt, फिर 2 माइनस t अपॉन t माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ठीक है। इसमें भी आप ये कर सकते हैं कि इससे माइनस कॉमन करके उधर आप भेज दीजिए, पर अब हमारे पास जगह नहीं है तो प्लीज पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके आगे का कैलकुलेशन हम अभी करते हैं, ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लें आप इसे। बेटा देखिए इसका माइनस कॉमन लेंगे और उधर भेज देंगे, ठीक है ना, तो अब ये क्या बन जाएगा आप देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस 2 अपॉन टी माइनस 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। ओके,
या आप यू समझ लीजिए कि हमने दोनों साइड्स में माइनस वन से मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा या निगेटिव हो जाएगा, तो टी माइनस टू बन जाएगा और वहां वो माइनस आगे दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसको आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, कैसे करना है इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये मैं बेटा इसको लिख सकता हूं टी माइनस वन अपॉन टी माइनस वन डी टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना, ये टी माइनस टू है ना, तो टी माइनस वन कर सकते हैं। अब इसके साथ इसको सेपरेट कर लीजिए आप, तो जब बेटा इसके साथ इसको करने जाओगे तो ये तो वन बच जाएगा, और फिर इसके साथ इसको करोगे तो माइनस वन अपॉन टी माइनस वन ऐसे इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना, ओके। अब इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो गया, वन को इंटीग्रेट करिए, टी के रिस्पेक्ट में टी आएगा माइनस वन अपॉन टी माइनस वन का इंटीग्रल आएगा लॉग टी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ये आ जाएगा लॉग एक्स और यहां पर हम लिख देंगे प्लस सी, ठीक है। अब जहां जहां टी है सबसे पहले वहां आपको लिखना है लॉग वी, और फिर जहां जहां वी आएगा वहां आपको वाई अपॉन एक्स लिखना है, तो यहां पर हमने लिखना है लॉग वी माइनस ये लॉग और टी की जगह पर लॉग वी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, ओके ठीक। अब जहां जहां वी है वहां वहां पर वाई अपॉन एक्स, और आप चाहें तो इसको इधर ला सकते हैं, और इस सी को भी ना, क्योंकि अब आप देख रहे हैं हर टर्म में बेटा लॉग आपको दिख रहा है, तो मैं चाहूंगा कि सी की जगह भी आप लॉग सी कर लीजिए, कांस्टेंट है उस पर कोई वैसा डिफरेंस नहीं आएगा, तो लॉग सी। अब इसको इधर ले आइए, तो ये लॉग वी की जगह पर वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस वन, और ये इधर आ जाएगा तो log x इज इक्वल टू log c। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक। अब यहां देखें log m माइनस log m प्लस log p, ये लॉगरिथम के रूल से आप जानते हैं कि ये प्लस है और ये भी पॉजिटिव है, इसलिए ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो log y अपॉन x इंटू एक्स y अपॉन x इंटू एक्स, और ये अपॉन में आ जाएगा log y अपॉन x माइनस वन, ये बन जाएगा log y अपॉन x माइनस वन, log y अपॉन x माइनस वन इज इक्वल टू log c। एक बार फिर से देख लें बेटा, ये टर्म प्लस है ये टर्म प्लस है, तो इसमें लग गया log m प्लस log n, तो log m इंटू n ये माइनस है तो ये अपॉन में आ गया, ठीक है ना, और बराबर के उस तरफ log c बच गया, तब तक यहां y x से x कैंसिल हो गया और दोनों साइड में एंटी log ले लिया, मैंने एंटी log ले लिया तो यहां बच गया y अपॉन log y अपॉन x माइनस वन इज इक्वल टू c। अब इसको थोड़ा सा ये मैं चेक कर लूंगा कि आंसर किस फॉर्मेट में दिया जा रहा है, बस उसी फॉर्मेट में हम इसको बना के आपको दिखा देंगे। इसमें आंसर दे रहा है सी वाई इज इक्वल टू लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सी इधर लेते हैं, ये इसको उधर भेज दीजिए, तो इधर आके ये बन गया वन अपॉन सी वाई, ये वन अपॉन सी वाई इज इक्वल टू लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस वन। और रही बात वन अपॉन सी की, बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट, तो हम इसकी जगह पर वन अपॉन सी को सी डैश कर सकते हैं, तो हमने इसको कर लिया सी डैश इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस वन। बेटा देखें ये आपका आंसर आपके आंसर से पेशो हो रहा है, इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वन प्लस e टू दी पावर x अपॉन y इंटू डी एक्स प्लस ई टू दी पावर x अपॉन y वन माइनस x अपॉन y डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा आप देख रहे हैं इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपको दिखाई दे रहा है,
और उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x अपॉन y है। अब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन x अपॉन y है तो मैंने अभी यहां पर चार पांच फंक्शन लिखे हुए थे, आपको बताया था कि अगर इन फलनों के साथ में y अपॉन x आ जाएगा या x अपॉन y आ जाएगा तो आपको होमोजेनियस फंक्शन की फॉर्मेट वही बनानी पड़ेगी। तो इसमें आपको x अपॉन y वाला फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम एक काम करेंगे इसको उधर भेजना चाहेंगे। तो ये होगा 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y साथ में dx और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस e टू द पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y और यहां पर dy। अब आप इसको dx अपॉन dy वाली फॉर्म में ले आइए, dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y। ये dy इधर ले आए और ये जो इस dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में था ये उधर जाके डिवाइड में हो गया। अब देखिए ये लिख दिया, ये लिख दिया और अपॉन में ये आ गया, ये माइनस लगा रहा। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे इसको आप चाहें इक्वेशन नंबर 1 मान लें और आप देख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा x अपॉन y का फलन है। जहां जहां भी वेरिएबल है, वेरिएबल में y है x नहीं है, x अपॉन y है उसके साथ में, तो ये हमारा फंक्शन x अपॉन y का बन गया। और जैसे ही ये आता है अब आपको भी समझ में आ गया कि जो दिया गया अवकल समीकरण है ये एक समघातीय अवकल समीकरण है। ये आप लिख लीजिएगा, स्पष्ट है कि दिया गया अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है और अगर समघातीय अवकल समीकरण है देन वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी नो दैट लेट x इज इक्वल टू वी वाई एट दिस टाइम। आप जानते हैं कि अगर dx अपॉन dy इज इक्वल टू h ऑफ x अपॉन y बना होगा तो फिर x इज इक्वल टू vy से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अब अगर x इज इक्वल टू vy है तो x अपॉन y को आप क्या ले सकते हैं, v ले सकते हैं। और अब हम यहां डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। देख लीजिए डी एक्स अपॉन डी वाई पहला फलन दूसरे का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा प्लस y पहले का करेंगे डी वी अपॉन डी वाई आ जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, ये है इक्वेशन नंबर 1, इसमें जहां dx अपॉन dy है उसकी जगह पर ये लिखना है मुझे v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, इसकी जगह पर v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x अपॉन y, तो e टू द पावर x अपॉन y की जगह पर v, फिर 1 माइनस और x अपॉन y की जगह पर v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v, ऐसा बन गया ये। जहां जहां x अपॉन y सब जगह हमने v नोट कर दिया। अब इसको उस साइड पे लेके जाना पड़ेगा आपको, तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, आप चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इसको गुणा पहले इसमें कराएंगे तो ये बन जाएगा v इंटू e टू द पावर v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, v इंटू e टू द पावर v माइनस e टू द पावर v अपॉन e टू द पावर v प्लस 1 e टू द पावर v प्लस 1 और ये v जो इधर आ रहा है वो यहां पर ऐसे आ जाएगा। फिर ये y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, आप इस पे एलसीएम ले सकते हैं e टू द पावर y प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये v e टू द पावर v माइनस e टू द पावर v माइनस माइनस v को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v e टू द पावर v माइनस v को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस v। अभी आप बेटा देखें ये टर्म और ये टर्म सेम है बट
प्लस और माइनस, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। और अब यहां पर ये आ जाएगा वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, आप चाहें तो इससे इससे और इससे माइनस कॉमन कर सकते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो बउआ ये आ जाएगा e टू द पावर y प्लस v और अपॉन e टू द पावर v प्लस वन, ये अपॉन में है। अब हम v वाले एक तरफ कर लेंगे, y वाले एक तरफ कर लेंगे, ये इधर ले आइए तो e टू द पावर v प्लस वन अपॉन, ये इधर आएगा तो e टू द पावर e टू द पावर v, e टू द पावर v प्लस v साथ में dv, ये ऊपर आ गया ये नीचे आ गया, ये dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y, ठीक है, ये ऊपर ये नीचे आ गया, माइनस यहां दिख रहा है आपको और ये dy ऊपर y नीचे, ठीक है ना। अब वक्त आ गया है इंटीग्रेट करने का, तो यहां हम लिख देंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर v प्लस वन अपॉन, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर v प्लस वन अपॉन e टू द पावर v प्लस v और यहां पर dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y, ओके। अच्छा अब इसमें एक चीज देखें बेटा, अब इसको इंटीग्रेट करना है हमको, आप इसमें देखिए जरा, आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर जो आपको दिख रहा है e टू द पावर v प्लस v, इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे ना तो वही मिलेगा जो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ, तो आपको नहीं लगता कि नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन, तो लॉग फलन वाला फॉर्मूला लगेगा यहां पर, तो मैं इसमें कर दूंगा लॉग e टू द पावर v प्लस v इज इक्वल टू माइनस, इसको कर देंगे लॉग y और कांस्टेंट लेना है क्योंकि सभी टर्म्स में लॉग आ रहा है तो हम लॉग c नोट कर लेते हैं उसको, इसको इधर ले आइए आप तो ये लॉग और जहां जहां v है अब x अपॉन y नोट कर देते हैं, e टू द पावर x अपॉन y प्लस x अपॉन y प्लस लॉग y इज इक्वल टू लॉग c, ठीक है ओके। अब log m प्लस log n, तो log इसको अगर आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, तो y आ जाएगा एलसीएम, ये y e टू द पावर x अपॉन y प्लस x, देखो y एलसीएम हो गया तो y e टू द पावर x अपॉन y प्लस x अपॉन y इंटू log m प्लस log n है ना, तो इंटू y इज इक्वल टू log c, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर आप देखें y से y कैंसिल कर दीजिए, y से y जैसे ही कैंसिल होगा अब आप दोनों पक्षों में एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ले लीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको y e टू द पावर x अपॉन y प्लस x, y e टू द पावर x अपॉन y प्लस x इज इक्वल टू c। अब हम इसको चेक कर लेते हैं और जिस तरह से आंसर दिया जा रहा होगा उस फॉर्मेट में हम आपको ला के दिखा देंगे। इसका आंसर दिया जा रहा है y e टू द पावर x अपॉन y प्लस x इज इक्वल टू c, सेम फॉर्मेट है जो कि आपका आंसर है ओके। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 10, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए, इस पूरी एक्सरसाइज में 16-17 क्वेश्चन है, आप नोट करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 11 ओके। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, वेयर वाई इज इक्वल टू वन इफ एक्स इज इक्वल टू वन, ये आपको सॉल्व करना है और इसमें कंडीशन भी दी गई है, ऊपर मैं उसके जो प्रतिबंध लिखा है उसको भी पढ़ देता हूं। लिखा है 11 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपने व्यापक हल प्राप्त किए हैं सभी समघातीय अवकल समीकरणों के, 11 से 15 तक आपको हर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ एक कंडीशन दी गई है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन पता लगाना है, ठीक है तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे,
इसको हम उधर भेज देते हैं, तो ये x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस x माइनस वाई डी एक्स, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा ना। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इस तरीके का आपको दिखेगा। ओके, अब हम एक काम कर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू अंश और हर में x से डिवाइड कर दीजिए। जब आप बेटा x से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि यहां पर 1 मिलेगा और यहां y अपॉन x मिलेगा, यहां पर डिवाइड करोगे तो ये 1 मिलेगा, ये y अपॉन x मिलेगा। और अब आप देख सकते हैं भैया, इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो तो डी डी एक्स ऑफ वाई है और ये पूरा y अपॉन x का फंक्शन है, मीन्स g ऑफ y अपॉन x। इससे हमको ये पता चलता है कि दिया गया अवकल समीकरण होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैसे अभी 11 से 15 में आपको ये करना नहीं है, पर आप समझ सकते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसमें बोला नहीं गया कि आप पहले दर्शाइए कि दिया गया अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है और उसके बाद फिर आप सॉल्व करिए। इसमें ऐसा नहीं कहा, सीधे सीधे सॉल्व करना है आपको। अब ये बन जाने के बाद बाकी समझ तो आपको आ गया ही होगा कि अब इसमें करना क्या है। माना y इज इक्वल टू वी एक्स, अगर y इज इक्वल टू वी एक्स है तो फिर y अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और अब आप समझते भी हैं कि ये कैसे आ जाता है, प्रथम द्वितीय फलन का हम दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का सूत्र लगाते हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर वन में से डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हम ये नोट करेंगे, इक्वेशन नंबर वन से समीकरण एक से, समीकरण एक ये है, इसका लेफ्ट हैंड साइड डी डी एक्स ऑफ वाई है और उसकी जगह पर ये लिखना है मुझे, तो लिख देंगे वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस वन माइनस, जहां वाई अपॉन एक्स है वहां वी लिखना है, माइनस वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी। आप चाहें तो ये माइनस इसको दे सकते हैं और ये v उधर भेज दीजिए, तो ये x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस अगर हम दे देंगे तो v माइनस वन अपॉन वी प्लस वन माइनस वी, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, अपॉन v प्लस वन और ये माइनस वी दरा के माइनस वी, तो x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये v प्लस वन, इसके नीचे एक ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो v माइनस वन माइनस, बेटा v का गुणा v से करिएगा, माइनस v को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वी स्क्वायर, माइनस v को 1 से करेंगे तो माइनस v। आप देखिए माइनस v से प्लस v कैंसल हो गया, सॉरी फिर ये x dv, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इस दोनों से माइनस आप कॉमन कर ले तो यहां पर 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा, या हम इसको वी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं अपॉन वी प्लस 1। ठीक, आप चाहे तो इसे 1 प्लस वी स्क्वायर ही लिखा रहने दें ताकि ये उसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में आपका फॉर्मूला बना रहता है। ठीक, अब वक्त आ गया है वेरिएबल्स को सेपरेट करने का, वी वाले एक तरफ कर लो, इसको इधर लेते आओ, तो हम कर लेंगे वी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, v प्लस वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, साथ में dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। फिर से देखें, v प्लस वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेट करना है, आप इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग करेंगे तो ये v अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, v अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहां पर dv है इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। ठीक है,
ओके, अब इंटीग्रेट कर देते हैं। इसमें एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में आपको हेल्प मिलेगी, ये दो से मल्टीप्लाई करा सकते हैं इसमें, लेकिन केवल इस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, दो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दो से डिवाइड कर सकते हैं आप। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड्स में, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन 1+v² dv, ये dv यहां से आ गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन 1+v² इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ठीक है ना। ये 1/2 2v अपॉन 1+v² सबके साथ ये आ गया। अब इंटीग्रेशन आप कर दीजिए 1/2, इसको देखिए नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन, इसका अवकलन करके देखिए यही आएगा, तो ये लॉग फलन बन जाएगा, लॉग 1+v² प्लस इसमें इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन 1+v² आप देखें ये tan इनवर्स v का बना हुआ है, ये माइनस लॉग x और प्लस c, ये हो गया। अब इसको आप इधर ला सकते हैं और ये इसकी पावर में जा सकता है, या आप चाहे तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, या अभी रुक जाए इसको इधर लेते आइए, 1/2 log 1+ और v की जगह पर आप y अपॉन x लिख दीजिए, v की जगह पर y अपॉन x, तो ये हो जाएगा y² अपॉन x² 1/2 log 1+ y² अपॉन x² प्लस ये आ गया log x। और एक चीज आप देखें, इस टर्म के लिए मैं काम करता हूं 1/2 और यहां पर x², या अभी आप रुक जाइए मत करिए, पहले कॉन्स्टेंट निकाल लीजिए उसके बाद आप कर दीजिएगा इसको, तो ये यहां पर आके हो जाएगा log x प्लस tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू c, ये लिख दिया उधर से ये इधर आ गया, tan इनवर्स v के tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू c। अब ये तो व्यापक हल आया, अब हम एक काम करना चाहते हैं कि जो कंडीशन हमको दी गई है वो कंडीशन यहां अप्लाई करना चाहते हैं, तो कंडीशन अप्लाई करेंगे, अब y इज इक्वल टू 1 यदि x इज इक्वल टू 1, तो y की जगह पर और x की जगह पर दोनों की जगह पर हम 1 लिख देंगे, तो यहां लिखिए 1/2 log, बेटा जब 1 लिखेंगे तो 1 प्लस और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा log 1 प्लस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू c, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 हो जाएगी। ये तब तक ये आप चाहें तो इसकी पावर में लगा सकते हैं या ऐसे ही लिखे रहने दें आप, 1/2 log 2 प्लस π/4 इज इक्वल टू c, ये बचा, ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू π/4 हो गई, इज इक्वल टू से c की वैल्यू आई, ये c की वैल्यू अब हम इसमें अप्लाई कर देंगे, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और जैसे ही आप रखेंगे आपको दी गई अवकल समीकरण का एक विशिष्ट हल मिल जाएगा, ठीक है, आप इसको नोट करिए फिर हम वैल्यू लिखते हैं उस पे, ओके जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। हाँ बेटा देखते हैं, ये c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 पे रख देते हैं, इसलिए समीकरण 2 से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 यहां पर वैल्यू लिखेंगे तो 1/2 log, इसमें आप LCM ले लीजिए तो x² + y² अपॉन x² यह आ जाएगा x² + y² अपॉन x² प्लस इस पे मैं एक काम कर रहा हूं और आप सभी लोग ध्यान से देखिए और सोचिए कि क्या हम कर सकते हैं, ये आप जब चाहोगे log m टू दी पावर n की मदद से, ये 2 आ गया होगा फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप फिर से log x ही आपको बचा रहेगा, ठीक, प्लस tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू c, c की जगह पर ये लिखेंगे 1/2 log 2 प्लस π/4, ओके अब इन दोनों से हम 1/2 कॉमन कर लेंगे,
वन बाई टू कॉमन करने के बाद बचेगा क्या, इसको ध्यान से देखिए. सॉरी, इसमें बचेगा लॉग एम प्लस लॉग एन, और लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम इंटू एन हो जाएगा. तो लॉग एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एन, इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर. तो वन बाई टू लॉग एम इंटू एन प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू लॉग टू प्लस पाई बाई फोर. यहां पर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. एक छोटा सा काम और करना चाहेंगे, पूरी इक्वेशन को हम टू से मल्टीप्लाई करा देते हैं. इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स. इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग टू, और इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई टू प्लस लॉग टू. और आप देखिए आपकी आंसर सीट पे यही आंसर आपका आ रहा है. लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस लॉग टू. एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना. तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11. आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर ली, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12. एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. और ये कंडीशन दी गई है कि वाई बराबर एक अगर एक्स बराबर एक. चलिए सॉल्व करना है इसको. सबसे पहले तो मैं इसको उधर भेज दे रहा हूं, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू, ये बेटा जब उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो यह एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स. अब हम डी वाई बाई डी एक्स कर लेंगे, ये उधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर उधर भेज देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो इसके नीचे भी लिखा जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर. ये इसके अपॉन में भी आएगा, इसके अपॉन में भी आएगा. अब आप देखिए एक्स से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगी. इस तरीके से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हमको मिलती है माइनस ये वाई अपॉन एक्स, बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना. और अब आप देख सकते हैं ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज टू, आपके राइट हैंड साइड पे इधर वाई अपॉन एक्स का ही फलन आ रहा है. तो ये एक समघातीय अवकल समीकरण है, और इस प्रकार की समघातीय अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम वाई इज इक्वल टू वी एक्स मान लेते हैं. अगर वाई इज इक्वल टू वी एक्स है तो फिर वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. Differentiating with respect to x on both sides. x के respect में differentiate करेंगे तो d dx of y is equal to v plus x dv upon dx. v plus x dv upon dx. ठीक, अच्छा भाई. इसके बाद अब ये जो आपकी इक्वेशन है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन. अब इसी पे वैल्यू लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह पर वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और जहां जहां वाई अपॉन एक्स है वहां पर वी लिखना है. तो चलिए शुरू करते हैं समीकरण एक से. समीकरण एक से ये है इक्वेशन नंबर वन, इसमें डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये नोट कर देंगे. तो वी प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की जगह वाई अपॉन एक्स की जगह पर v, फिर माइनस वाई अपॉन एक्स की जगह पर वी स्क्वायर. इसको उधर भेज देना है हमको, तो x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये उधर जाके माइनस वी हो जाएगा, माइनस वी और ये माइनस वी मिलके हो जाएगा माइनस टू वी, और ये माइनस वी स्क्वायर. ठीक, अब ये इधर की तरफ ले आओ. आप इसमें काम करो ना, माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वी प्लस वी स्क्वेयर. ये इधर ले आइए, एक्स वाले टर्म उधर भेज दीजिए, तो ये डी वी अपॉन, इसको इधर लाओगे और इससे वी कॉमन कर लो,
तो ये v प्लस टू बन जाएगा, v कॉमन करेंगे तो v प्लस टू आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ये माइनस बना रहा डी एक्स ऊपर x नीचे और ये यहां पर आ गए। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए इसे आपको आंशिक भिन्न करनी पड़ेगी, आप अगर डायरेक्ट बना सकते हैं तो ये बड़ा अच्छा होगा, नहीं तो आपको फिर सॉल्यूशन करनी पड़ेगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी प्लस टू इंटू वन अपॉन टू डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। एक बार इसको सॉल्व करके देखो कि क्या जब हम इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा, यहां पर आएगा v प्लस टू माइनस वी, तो v से v कैंसिल, 2 अपॉन ये आ जाएगा और 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको ना ऐसा बना के लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से करना चाहें वहां से जा सकते हैं, वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको, तो छोटी फ्रैक्शन है तो आप ऐसे कर लिया करो और इस तरीके से बड़ा आसान हो जाता है और क्वेश्चन का साइज भी छोटा रहेगा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं हम दोनों साइड्स में, तो यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो वन बाय टू और इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी प्लस टू साथ में डी वी, वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी प्लस टू डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये वन बाई टू इंटीग्रेट करिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग वी माइनस इसकी वैल्यू आएगी लॉग v प्लस टू इज इक्वल टू ये आ जाएगा log x और प्लस c। ठीक है, इसके बाद ये 1 बाई टू log v माइनस log v प्लस टू log m माइनस log n, तो log m अपॉन n बन जाएगा ये, तो ये इस तरह से आ जाएगा log v अपॉन v प्लस टू इज इक्वल टू माइनस log x प्लस सी, और आप चाहे तो ये log x भी इधर आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस log x इज इक्वल टू सी। ओके ठीक, अब जहां जहां v है वहां y अपॉन x लिख देंगे, तो 1 अपॉन 2 log y अपॉन x अपॉन y अपॉन x प्लस टू प्लस log x इज इक्वल टू c, 1 बाई टू log, इसे आप सॉल्व करिएगा तो ये इस तरीके से मिल जाएगा y अपॉन y प्लस टू एक्स, एलसीएम लेंगे ना x, तो y प्लस टू एक्स अपॉन x, वो अपॉन x ही अपॉन x से कैंसिल हो जाएगा, प्लस log x इज इक्वल टू c। और अब हम ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर टू, कंडीशन अप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू वन यदि x इज इक्वल टू वन, जहां y और x है वहां वन वन नोट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये वन बाई टू log, बेटा देखो वन लिखेंगे वन प्लस टू इंटू वन टू, तो वन अपॉन वन प्लस टू मतलब वन अपॉन थ्री प्लस ये log 1 होगा, log 1 का मान 0 इज इक्वल टू c, तो बेटा c की वैल्यू निकल करके मिली हमको 1 बाई टू log 1 बाई थ्री। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब ये c की वैल्यू ना हम इस इक्वेशन नंबर 2 पे अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए, फिर इसमें वैल्यू लिखकर हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ओके हाँ बेटा, देखिए ये वैल्यू सी की हम वहां पर अप्लाई कर देते हैं, तो इस तरह से ये बन जाएगा, लिख देते हैं समीकरण दो से इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू में आप देखिए वन बाई टू log और ये आ जाएगा y अपॉन y प्लस टू एक्स प्लस log x
इज इक्वल टू सी, सी की जगह पर लिखेंगे 1/2 log 1/3, ठीक ओके। अब आप एक काम कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें आ जाएगा log y अपॉन y प्लस 2x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 log x, ये आ जाएगा log 1/3, इसका ये 2 इसकी पावर में जा सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log y अपॉन 1 प्लस y प्लस 2x प्लस log x स्क्वेयर इज इक्वल टू log 1/3 ओके। अच्छा अब इसमें log m प्लस log n लगा दीजिए, तो log m इंटू n हो जाएगा, यानी कि y अपॉन y प्लस 2x log m इंटू n, इसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये इज इक्वल टू log 1/3 ओके। अब दोनों साइड्स में एंटी log आप ले लीजिए, तो यहां पर बेटा बन जाएगा x स्क्वेयर y अपॉन y प्लस 2x इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 2x, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर y। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अब हम आंसर मैच कर देते हैं, y प्लस 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y, ये आपका आंसर आ गया, और ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 12। पूरे 17 क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब अभी भी 5 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। अब बाकी के क्वेश्चंस यानी कि जो 13 नंबर से लेकर और बाकी 17 नंबर तक जो क्वेश्चंस हैं, उनको बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।